welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Ashika and I'd be really happy if you take a moment to subscribe to my channel below. Yay! So you've already seen by the stories and everything that I'm back in Mumbai and back to Hedgehog finally. Excuse my dupatta. मुझे एक बैग बहुत जरूरी है ना फॉर ट्रैवल. उसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं, कपड़े वपड़े भी देख लेंगे थोड़े बहुत. एंड मानव उन्नति ऑल्सो ज्वाइन अस इन सम टाइम बिकॉज उन लोग को थोड़ा लेट आना था बट हम लोग पर थोड़ा जल्दी आ गए काम से. तो गाइज वी आर इन गुची. हमें आई थिंक पेरिस ने बिगाड़ दिया बहुत बिगाड़ा है पेरिस ने हम लोग को. हमें इतना शौक भी नहीं था पहले कुछ भी करने का या कुछ करने का, बट पेरिस के आने के बाद हम थोड़े पागल हो चुके हैं. पहले हम मॉल में ऐसे आ रहे थे. हाँ तो अभी हमने यहाँ पे देखा थोड़ा बजट थोड़ा बाहर है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 1 लाख रुपीज़ बाहर है. तो अभी हमने कुछ ज़्यादा नहीं दिया. आशा ने कार्ड ऑर्डर लिया, इसके बाद दिखा देंगे आपको. आशा ब्लॉग नहीं करी तो मास्टर की सब चीज़ें दिखा सकते हैं. सो उसके बाद निकल के करके इससे पहले मुझे रोक दें ब्लॉग करने से. बाय बाय बाय. मुझे बहुत टाइम से बेल्ट चाहिए थी तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ. सो आई थिंक आई एम गोना गेट दिस वन. बड़ी थोड़ी पतली है बट आई स्टिल लाइक इट. आई थिंक आई एम गोना गो विद दिस वन. सो वी जस्ट गॉट आउट ऑफ द स्टोर. ओह माय गॉड, पापा का फोन आ गया. सो वैसे हम गुची से बाहर निकले बट आई डिडंट गेट माय बिलिंग डन बिकॉज उनको वो GST का कुछ सीन था. तो अभी जब मैं डॉक्यूमेंट पापा से मंगाया था वो चाहिए था. आशना का हो गया था बिलिंग. तो अभी हम निकले थे बाहर, कदम रखा ही था कि पापा का मैसेज आके मैंने भेज दिया. अब मैं वापस गुची बिलिंग कराने. सो यस, सी यू इन अ व्हाइल. इसके बाद हम बैग देखने जाएंगे आई थिंक. पता नहीं, सोचा नहीं है बट यस. तो मैं बिलिंग करा के मिलती हूँ. सो एक घंटे बाद हम लिटरली स्टोर से बाहर निकले और दो बार जाके निकले और अभी भी मेरे हाथ में थैला नहीं है गाइस. देखो इट्स बिकॉज फिर से कुछ सीन हुआ एंड दे वर लाइक कि आपका एड्रेस दिल्ली का है ना, जी आप ले मुंबई से रहो, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप GST क्लेम नहीं कर सकते. बहुत लंबी डिस्कशन हुई. तो आई गॉट द बिल राइट हियर. परचेज हो गया, आई गॉट द बिल बट मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो सीधा दिल्ली डिलीवर होगा. अब अंदर जमा सीधा दिल्ली डिलीवर होगा 2-3 दिन में. सो वो घर पे ही पहुँचेगा. तो जब मैं घर जाऊँगी वो बहुत जल्दी जाने वाली हूँ, तो अभी उस टाइम तक मेरे काम आएगी भी नहीं, तो तभी मैं आपको दिखाऊँगी. फिलहाल आई एम गोइंग टू लुक फॉर द बैग बिकॉज मुझे बैग चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रिप. मैं वेटिंग रूम सॉरी मैं फिटिंग रूम के उसमें खड़ी थी और आशना को देख लूँ. पूरा थैला भर लिया है, थैला भर रूम के. तो हम गए थे 2-3 बैग्स वाली जगह बट बिल्कुल भी बैग्स नहीं मिले. मतलब कुछ थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, कुछ तो थे तो पसंद ही नहीं आए. सो अभी वी आर एट ज़ारा एंड आई वाज ट्राइंग ऑन दिस ब्यूटीफुल कलर्ड जीन्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर, तो आई एम गेटिंग दिस वन. तो ज़ारा से भी हो चुका है डन बट अब आशना कैब कर रही है बिकॉज शी हैज़ टू गो. उनका कुछ क्लास है तो उनको जाना पड़ेगा. लेकिन मानव उन्नति अब तक नहीं आया है, उन्हें को 5:30 पहुँचना था. 5:30 हो गए हैं बट वो लेट है तो वो 6:30 तक आएंगे. तो थोड़ी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मेरे को अकेले रहना पड़ेगा और अकेले खाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है. तो वो कुछ खाऊंगी भी बट अकेले बैठ के बिकॉज आशना तो जा रही है बुकिंग कैब. गाइस अपडेट, आशना हैज ऑलरेडी लेफ्ट. इट्स बीन 20-25 मिनट्स एंड मैं चिनाम आ गई थी एंड मेरा शॉपिंग बैग थोड़ा भर रहा है बट मेरी टांगे इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है बता नहीं. एनी वे ना चाहते हुए भी ये कोई हॉल वीडियो टाइप बन जाएगा. तो मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी क्या पूरा हॉल है, क्या क्या लिया मैंने एंड थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस ट्रिप के बारे में थोड़ा. वो अभी मैं बहुत इस भूख भी लग रही है बट मैं सोचती थी मानव उन्नति के साथ खाऊँ बट उनको आने में बहुत आई फील टाइम लगेगा बिकॉज अभी तक वो वहीं पर है एंड उन्हें आने में 1 घंटा लग जाएगा. बट लेट्स सी, अभी तो मैं शॉपिंग करके निकलूँगी. फिर मुझे बैग नहीं मिल पा रहा है कहीं पर, मुझे बैग नहीं मिल रहा है. आई एम इन बर्बरी एंड आई वॉज लुकिंग एट दिस बैग राइट हियर. आई लाइक इट बट देन द प्राइस फॉर दिस इज़ लाइक नॉट दैट वर्थ इट. पता नहीं, तो आई माइट नॉट टेक इट बट इट्स नाइस. अगेन आई एम बैक टू कोच बिकॉज बैग अब तक मिला नहीं था और बहुत टाइम हो गया घूमते घूमते पैदल हो गए. ये 2 मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं. आई थिंक आई एम गोना गो विद दिस वन बट अगेन आई एम नॉट श्योर. उन्नति माना फाइनली आ गया बाय द वे, ऊपर है वो.
सो उनके पास मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन आई एम कन्फ्यूज। मम्मी से पूछा, वीडियो कॉल कर, मम्मी भी ये बोल रही हैं, बट ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि एकदम मेरे दिल को बहा नहीं रहा है, बट मुझे ट्रिप के लिए चाहिए ही चाहिए, तो और कोई अभी ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे, तो आई थिंक आई माइट जस्ट गो फॉर दिस वन। आई एम गेटिंग द सेकेंड वन, this one finally, and coach mein you can get your initials customized on the tag, my name on this one, and my initials bhi kar sakti thi, but I am getting my pura name is ASHI, kyunki chhota sa ho jayega initials to, and these are the kya kehte hain emojis keh lo jo main kar sakti hu apne isme imprint, but ye rakshas vakshas to nahi banau, diya banwalu happy diwali, main dekhti hu main kya banwaungi, then aapko final dikhati hu। BRB finally mujhe culprits mil gaye, इनके वजह से मेरे को अकेले बैठ के खाना पड़ा ये, एंड डिजास्टर MNV जो अभी दिख नहीं रहा है मुझे। मैं रेडी थी, हाँ उन्नीति में कब से रेडी बोली है, मैं निकलने वाला है, फिर कहती ऊप्स फॉल्स कॉल, कह रही है रेडी हो, वो देख लो डिजास्टर बॉय डिजास्टर नंबर वन। अब लोग अपना कुछ तो काम करना है, बट सो प्राउड ऑफ आशिया, शी घूम रही थी अकेले, और अभी मैं कल भी गई थी सोलो। यस प्रोग्रेस एंड आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मुझे बहुत बोर हुआ। आ तो चलो शॉपिंग करने थी, तो थोड़ा कभी कभी अच्छा होता है सोलो, कभी कभी, बट आज उनमें से कभी कभी नहीं था। और हम आई थिंक मेरा तो डन हो गया, मेरी शॉपिंग बस ये तीन बैग्स हैं, और एक जो कोरियर हो रहा है, मैंने गुची से बेल्ट ले ली फाइनली, पर इसमें नहीं है वो, क्योंकि मेरे को GST नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनको बोला कोरियर कर दो, क्योंकि वो दिल्ली मुंबई वाला सीन। गैस उन्होंने रिएक्शन क्यों दिया, आपको जल्दी पता चले, उसके लिए आपको मेरे और MNV दोनों के ब्लॉग्स फॉलो करने पड़ेंगे, थोड़ा कनेक्ट द डॉट्स करना पड़ेगा। डिजास्टर बॉय परफ्यूम टेस्टिंग चल रही है थोड़ी, रिशु का भूत है, थोड़े परफ्यूम्स ट्राई हो रहे हैं, और कॉफ़ी साथ रख लिया, क्योंकि 15-20 परफ्यूम तो ट्राई करना ही है लाइफ में। उन्नति को मैंने पूछा है, समझ नहीं आ पा रहा है, मानव को उधर ही छोड़ा है अभी, क्योंकि उधर कुछ काम रह गया था। माओ पीछे रोज है अपनी, ये वाला नहीं रिजेक्ट है, ये अच्छा नहीं, पॉइजन देखो आप, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि मुझे परफ्यूम नहीं, सारे परफ्यूम टेस्ट कर लिए यहाँ पे, और मतलब टेस्ट करा रहा है वो, उसको भी खुद उठा के खुद स्प्रे करके खुद सूंघ लिया, मुझे अपने अपने खुद से करके अपनी सेटिस्फेक्शन से करना होता है कि मैं कैसा है। ओके तो अभी हम वैसे भी बाहर जा रहे हैं, तो मेरे को कुछ नहीं लेना है यहाँ से, तो अभी बाहर मिलते हैं। अमेजिंग, हम चाट खा रहे हैं यहाँ पे, और मानव दाल रोटी मंगा है, क्या मंगा है, डिनर हो रहा है, डिनर टाइम, अमेजिंग चाट कर, से सिर्फ पालक पनीर ही खा रहे हैं, कल भी रात में घर पहुंची पालक पनीर खाई, सुबह उठते भी पालक पनीर खाई, पनीर गोल। तो गाइस एज प्रॉमिस्ड छोटा सा हॉल में फटफट करूंगी, बट क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी वरना, एंड अभी मैं यहीं पे, अब मैं अपने घर नहीं गई हूँ, मैं तंजील के रूम में फिलहाल, सो मैं यहीं पे फटफट हॉल करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या करूँ, पहले ज़ारा करते हैं, छोटी ज़ारा से दो तीन चीज़ें ही ली थी मैंने, ब्लू जीन्स मुझे बहुत अच्छी लगी, ज़ारा की जीन्स आई लव, तो मैंने वो उठाई, कैसी बहुत टैंक टॉप था ये, मैं लेयरअप करती हूँ ऐसे टैंक टॉप, इसलिए मैंने ये उठा लिया साथ में। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज दिस फ्लावर एक्सेसरी, ये बड़े फ्लावर्स ना कभी ट्रिप्स पे ऐसे साइड में लगाना बहुत प्रीटी लगते हैं, दिस इज ऑल्सो ब्रोच, सो टू इन वन काम कर सकता है, बट मैं आई यूज इट एज अ हेयरपिन ओनली। अच्छा ये दिस इज द गुची बिल, आई ओनली हैव द बिल विद मी राइट नाउ बिकॉज ड्यू टू द GST इशू, इट विल गेट डिलीवर्ड डायरेक्टली टू माई होम इन दिल्ली, आई कम बैक फ्रॉम दिस the trip that I'm going to, uske I think within a week I have to travel to Delhi once again, so I'll collect it then. Next let's move on to H&M, I got this blue bikini top, I matlab mujhe color bahut cute laga pastel blue, so I got that, then I got this pretty cute night suit set, shorts set hai, mere paas night suits hai but cute laga mujhe, then I got these shorts, पता नहीं क्यों ये बस ले ली, मैं लूज वर्कआउट योगा शॉर्ट्स नहीं थी, मेरी लाइफ में योगा और वर्कआउट का अभी कोई लेन देन नहीं है, बट जरूर एक दिन होगा इसलिए मैंने लिया। देन आई गॉट दिस सुपर क्यूट रॉयल ब्लू शर्ट, क्यूट नहीं सुपर नाइस, जो भी, आई लव वेयरिंग शर्ट्स, आई लव लेयरिंग देम अप, आई यूज शर्ट्स अ लॉट, बट दीज ब्लैक डेनिम शॉर्ट्स बिकॉज मेरी पुरानी वाली डोंट फिट मी एनी मोर, ब्लू एंड ब्लैक बोथ, सो आई डोंट हैव एनी शॉर्ट्स राइट नाउ बिकॉज आई डोंट वेयर शॉर्ट्स एनी मोर, एक्चुअली आई वेयर पैंट्स
पजामाज और ट्राउजर्स और जीन्स, बट शॉर्ट्स का जमाना अब मेरे लिए जा चुका है, बट इज फॉर द ट्रिप दैट आई एम गोइंग टू। देन आई गॉट दिस बकेट हैट, देन एन बकेट हैट। बकेट हैट मेरे पास सिर्फ एक दो तीन ही है, बट मैं पहन के सिर्फ ब्लैक ही हूँ, तो ये मुझे पहन के भी अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। देन आई गॉट दिस वो रोलर, कपड़ों में से उतारने के बहुत काम आता है, ऐसे चिपकन जो जरूरी होता है, बहनी का फर भी चिपक जाता है, कभी कुछ चिपक जाता है कुछ चिपक जाता है। देन आई गॉट दीज इयररिंग्स, प्रीटी क्यूटी। आई गॉट दिस बैग, दिस इज अ वेरी नाइस मतलब काइंड ऑफ बैग, जो मतलब लाइक इट्स अ बीच ट्रिप काइंड ऑफ थिंग, तो बीच में मैं वो बैग जाने की सोच भी नहीं सकती, मेरे अपने प्यारे बैग्स वो खराब हो जाएंगे, तो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस स्लिंग, इट्स सुपर क्यूट एंड वेरी बीची। देन आई गॉट अ क्लॉ क्लिप, ये मेरे पास ऑलरेडी पर्पल में है जो मैंने लगाया हुआ है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ, उसको मैं पिंक में भी लेगा। एंड आई गॉट दिस स्कार्फ, ये मैं हेयर एक्सेसरी भी यूज कर सकती हूँ या फिर एक नॉर्मल स्कार्फ जैसे आप सेल करते हो वैसे भी सेल कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग आई हैव हियर इज दिस प्रिटी बटरफ्लाई चेन दैट आई गॉट, दिख रहा होगा एक सेकंड, ये मुझे बहुत प्रिटी लगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग दैट आई गॉट इज द बैग दैट यू हैव ऑलरेडी सीन इन द वीडियो, व्हिच इज दिस वन फ्रॉम कोच। पेरिस में जो हम वो विलेज टाइप एरिया गए थे, वहाँ पे कोच के स्टोर में बहुत रीजनेबल बैग्स थे, बट ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव मिला कंपैरेटिवली, बट आई डिडंट हैव एन ऑप्शन बिकॉज मुझे लेना ही था, आज ही लेना था एक ट्रैवल बैग जो मुझे एयरपोर्ट एंड ऑल में काम आए। बाहर से मैं लेती तो मुझे बहुत इससे रीजनेबल प्राइस में मिल सकता था, बट अगेन आई हैड टू बाय दिस टुडे, सो मैंने आज ले लिया। अभी मैं ये सब नहीं उतार रही हूँ, बट आपने देख लिया होगा दिस इज द बैग एंड इट ऑल्सो हैज लाइक मोटा वाला स्ट्रैप विद इट। ओहो पूरा कवर्ड है, दिस इज लाइक अ ब्रॉड ब्लैक स्ट्रैप विद ये वाले कलर की लाइनिंग आउटलाइन पूरा, एंड जो मैंने कस्टमाइज कराया था दैट्स दिस, इट हैज माई नेम आशी विद अ हार्ट ऑन इट, इट्स सुपर क्यूट। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट लव दिस बैग, आई लाइक दिस बैग बट आई वुडंट हैव बॉट इट अगर बहुत ज़्यादा नीड ना होता आज मुझे, शायद मैं स्किप करती एंड और कभी ढूंढती एंड कहीं और से लेती इससे बेटर बैग, बट बिकॉज टाइम की थोड़ी कमी थी इसीलिए। तो आप सो गाइज दैट वॉज इट फॉर द हॉल, एंड काफ़ी खर्चा हो गया फिर से, बट आई होप यू लाइक इट, एंड गेस करो कॉमेंट्स में कि वेयर एम आई गोइंग, यू हैव ऑलरेडी गॉट अ लॉट ऑफ हिंट्स फ्रॉम मी इन दिस वीडियो एंड अदरवाइज ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, आपको काफ़ी हिंट्स मिल चुके हैं, तो कॉमेंट करके गेस करो आपको क्या लगता है मैं कहाँ भी आ रही हूँ ट्रिप पे। एंड यस आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, लव यू गाइज सो मच, subscribe 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 subscribe